नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त मनोज और आप देख रहे हैं माय फोटोग्राफी चैनल। दोस्तों आज हम एडोबी फोटोशॉप सीसी 2018 के इमेज एडिटिंग में ह्यू सैचुरेशन में एडवांस कलर करेक्शन देखेंगे। तो पहले हम यहां पे एक इमेज ओपन करेंगे। यहां पे हमने एक इमेज ओपन कर ली है, आप यहां पे देख सकते हैं। यह मैंने एक इमेज ली है लेकिन इसमें बहुत से कलर ऐसे जो डल दिख रहे हैं, तो इसके लिए हम ब्राइटनेस और कॉन्ट्रास्ट का वैल्यू बढ़ाएंगे। यहाँ पे हम मेनू बार में इमेज में जाएंगे, एडजस्टमेंट, यहाँ पे ब्राइटनेस लेंगे। यहाँ पे एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया, यहाँ पे हम यहाँ पे इसको वैल्यूज़ बढ़ाते हैं। तो यहाँ पे मैंने ओके कर दिया। फिर इसके बाद हम मेनू बार में एडजस्टमेंट और यहाँ पे ह्यू सैचुरेशन लेंगे। ह्यू सैचुरेशन का डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया, इसका शॉर्टकट है कंट्रोल यू। आप यहाँ पे देख सकते हैं इस डायलॉग बॉक्स में एक डिफ़ॉल्ट करके एक ड्रॉप डाउन मेनू है। आप पहले यहाँ से एक एक करके सब रेडीमेड जो प्रीसेट है आप चेक कर सकते हैं। तो यहां से हम डिफ़ॉल्ट ही रखेंगे। यहाँ पे रेडीमेड बहुत से प्रीसेट है, अगर आप चाहे तो आप इसमें से कोई भी एक ले सकते हैं। तो फिलहाल हम यहाँ पे डिफ़ॉल्ट ही रखेंगे। फिर आप यहाँ पे देखो एक ऑप्शन है यहाँ पे कलराइज़ करने के लिए आप यहाँ से चेक कीजिए और आपका ह्यू का जो स्लाइडर है आप इसे राइट की तरफ लेके जाइए। इसमें क्या होगा कि एक ही कलर की वैल्यू आपको अलग अलग कलर में दिखने लगेगी। आप जो भी कलर का टोन आपको अच्छा लगेगा आप उसे सेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम कलराइज को अनचेक करेंगे, यहाँ पे सबका वैल्यू ज़ीरो है। यहाँ पे एक मास्टर का एक ड्रॉप डाउन मेनू है। तो जैसे कि पहले वीडियो में हमने आपको दिखाया था कि ह्यू बढ़ाने से क्या होता है, सैचुरेशन बढ़ाने से क्या होता है और लाइटनेस बढ़ाने से क्या होता है, तो इस वीडियो में हम पर्टिकुलर किसी एक कलर को कैसे बढ़ाते हैं और उसका रेंज प्लस और माइनस कैसे करते हैं ये देखेंगे। तो दोस्तों आप यहाँ देख सकते हैं इस इमेज में जितने भी कलर आपको दिखाई दे रहे हैं वो सभी इसमें अलग अलग करके आपको इस ड्रॉप डाउन मेनू में दिखाई देंगे। जैसे ही आप इस पे साइन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे ऐड टू सैम्पल क्लिक करेंगे और सैचुरेशन आप लेफ्ट की तरफ लेके जाएंगे तो आपका साइन का कलर ब्लैक होता जाएगा, ब्लैक एंड वाइट टोन में हो जाएगा। और जैसे आप सैचुरेशन राइट की तरफ लेके जाएंगे आपका साइन का जो वैल्यू है वो प्लस में बढ़ता रहेगा। तो आपके हिसाब से आपको जो भी वैल्यू अच्छी लगेगी आप वहाँ से सेट कर लो। यहाँ पे मैं 35 रख देता हूँ। फिर हम यहाँ पे ग्रीन सेलेक्ट करेंगे और ग्रीन पे यहाँ पे ऐड टू सैंपल करके यहाँ पे जो ग्रीन कलर का जो भी एक कोई भी एक कलर पिकर से कलर सेलेक्ट करेंगे और हम सैचुरेशन को राइट की तरफ लेके जाएंगे। तो आप देख सकते हैं दोस्तों आपके इमेज में जितने भी ग्रीन कलर है जो हमने ऐड टू सैंपल में लिए वो सभी सैचुरेट हो रहे हैं। आपको जो भी वैल्यू अच्छी लगेगी आप वहाँ पे सेलेक्ट कर लो। फिर हम जाते हैं रेड कलर की तरफ। यहाँ पे आपने रेड कलर सेलेक्ट किया और इस इमेज में आप थोड़ा सा जूम करके यहाँ से एक रेड का वैल्यू सेलेक्ट कर लो, ऐड टू सैंपल, और यहाँ से थोड़ा मैंने जूम आउट कर दिया और आप सैचुरेशन राइट की तरफ लेके जाओ।
आपके इमेज में जो भी आपने रेड कलर का जो सैंपल लिया है वो सभी रेड कलर में आपको दिखाई देने लगेंगे। तो इस तरह से दोस्तों आप आपके इमेज के हिसाब से जो भी कलर आप चूज करेंगे और ऐड टू सैंपल करके आप जैसे चाहिए आप अपने हिसाब से कलर सेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम यहाँ पे ओके करेंगे और इस इमेज को हम सेव एज करेंगे। सेव एज इसको हम नाम देंगे फाइनल कलर करेक्शन। और यहाँ पे हम सेव कर देंगे। इस इमेज को हम क्लोज कर देते हैं और दोनों इमेज हम एक साथ ओपन करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे हमारी दोनों इमेज ओपन हो गई है और इन दोनों का जो डिफरेंस है वो देखने के लिए हम यहाँ पे मेनू बार में विंडोज अरेंज में जाके टाइल ऑल वर्टिकली। तो दोस्तों आप इस इमेज में आप देख सकते हैं दो इमेज में कितना डिफरेंस है। पहले इमेज में विदाउट करेक्शन वो इमेज कैसी दिख रही थी और उसके बाद हमने ह्यू सैचुरेशन में एडवांस कलर करेक्शन करने के बाद हमारी इमेज बहुत ही फ्रेश नज़र आ रही है। तो इस तरह से आप ह्यू सैचुरेशन का कलर एडवांस कलर करेक्शन कर सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, सब्सक्राइब करो और सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन का बटन भी दबाओ जिससे हमारे आने वाली वीडियो आप लोगों तक सबसे पहले पहुंचे। धन्यवाद।